हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है फंडा ऑफ कुकिंग। आज मैं आपको ड्राई फ्रूट्स की रेसिपी देने वाली हूँ जो छोटे बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि छोटे बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं। इसलिए हम लोगों को तो हम उन्हें ड्राई फ्रूट्स का खीर बना के दे सकते हैं, जो कि बच्चों को बहुत पसंद भी आता है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने अखरोट लिया है दो, मैं 10-12 पिस्ता लिया है, 10-12 आलमंड लिया है, 10-12 काजू लिया है और स्वाद अनुसार चीनी, और मैंने 1/2 टीस्पून घी लिया है। आप चाहे तो इसे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको ओखली में दरदरा कूटूंगी। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को कूट लिया है और अब हम उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को हम लोग को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का गर्म करना है। इसको हम लोग हल्का एकदम सिम में करके हम लोग उसको भूनेंगे। हम लोग का कढ़ाई हल्का गर्म हो गया, घी भी मेल्ट हो गया है, तो हम लोग सारा ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे। इसको हम लोग हल्का हल्का ऐसे चलाएंगे। मैं ड्राई फ्रूट्स को भून लिया है अच्छे से, अब मैंने 1/2 लीटर से थोड़ा सा कम दूध लिया है, जिसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, बस इसको हम लोग ऐसे हल्का हल्का चलाएंगे और इसको अच्छे से बनने देंगे। इसको थोड़ा भी हम लोग ड्राई करेंगे ऐसे। हम लोग की खीर मैंने मीडियम फ्लेम में रख के मैंने 3 मिनट पकाया है खीर, और हम लोग की खीर कुछ ऐसे दिख रही है, देखिए। और इसमें हम लोग अब चीनी ऐड करेंगे, मैंने 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। मैंने चीनी डालने के बाद इसे कंटिन्यू 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में बना लिया है और हमारी खीर हो चुकी है। तो अगर आपके लिए रेसिपी थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।